रिकॉर्डिंग क्लब के सभी दोस्तों को कमल शर्मा का नमस्कार। दोस्तों, टेंसेस पर हमारी सीरीज चल रही है। कल हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जिक्र किया था। सिंपल के तीनों ही टेंसेस, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर, ये किसी एक्शन का होना बताते हैं। अगर एक्शन वर्तमान में होता है तो सिंपल प्रेजेंट, अगर एक्शन भूतकाल में हुआ तो सिंपल पास्ट, अगर एक्शन भविष्य में होगा तो सिंपल फ्यूचर। तो सिंपल के तीनों ही टेंसेस किसी एक्शन का होना, किसी काम का होना बताते हैं। कल हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी ऐसे काम को बताना चाहते हैं जो भूतकाल में हुआ, बीते हुए समय में कोई काम हुआ। ऐसी स्थिति को बताने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझने का प्रयास करें कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वर्ब कौन सी काम में आती है, किस प्रकार के एडवर्ब्स इस टेंस में काम में आते हैं, इस बारे में थोड़ा देख लें। कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम लें। सेंटेंस नंबर वन, आई वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर। आई वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर। यहां आई सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब है। लास्ट ईयर, वेंट वैन लास्ट ईयर, द टाइम को बताने वाला एक एक्सप्रेशन है। सेंटेंस नंबर टू, वी लॉस्ट द मैच। वी लॉस्ट द मैच। वी सब्जेक्ट है, लॉस्ट वर्ब है। वी लॉस्ट द मैच, हम मैच हार गए, कोई काम हुआ पास्ट में। सेंटेंस नंबर थ्री, यू परफॉर्म्ड वेल। यू परफॉर्म्ड वेल, तुमने अच्छा प्रदर्शन किया। यू सब्जेक्ट है, परफॉर्म्ड वर्ब है। कोई काम भूतकाल में हुआ। सेंटेंस नंबर फोर, दे सेंग अ ग्रुप सॉन्ग। दे सेंग अ ग्रुप सॉन्ग। दे सब्जेक्ट, सेंग वर्ब। उन्होंने एक समूह गीत गाया, कोई काम हुआ भूतकाल में। सेंटेंस नंबर फाइव, ही बॉट अ न्यू बाइसिकल यस्टरडे। ही बॉट अ न्यू बाइसिकल यस्टरडे। कल उसने एक नई साइकिल खरीदी, कोई काम भूतकाल में हुआ। ही सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब है। बॉट वैन, खरीदा, कब खरीदा? यस्टरडे। यस्टरडे टाइम को बताने वाला एक एडवर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस, शी वॉश्ड क्लोथ्स। शी वॉश्ड क्लोथ्स, उसने कपड़े धोए। शी सब्जेक्ट है, वॉश्ड वर्ब है। कोई एक्शन पास्ट में हुआ। इट डाइड लास्ट नाइट। इट डाइड लास्ट नाइट, यह पिछली रात मरा या मर गया। इट है वो एक प्रोनाउन है, डाइड वर्ब है। इट है सब्जेक्ट है सेंटेंस का, डाइड वर्ब है। डाइड वैन लास्ट नाइट। लास्ट नाइट टाइम को बताने वाला एक एक्सप्रेशन है जो कि टाइम का एडवर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें,
रानी रोट अ पोयम, रानी रोट अ पोयम। यहां रानी सब्जेक्ट है, रोट वर्ब है। रानी ने कविता लिखी, कोई एक्शन पास्ट में हुआ। माई फ्रेंड्स वेंट ऑन अ टूअर लास्ट वीक, माई फ्रेंड्स वेंट ऑन अ टूअर लास्ट वीक। पिछले सप्ताह मेरे दोस्त एक भ्रमण पर गए थे, कोई काम भूतकाल में हुआ। तो माई फ्रेंड्स यहां सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब है। वेंट वैन लास्ट वीक, लास्ट वीक एडवर्ब है। तो दोस्तों इन सभी एग्जाम्पल से यह पता चलता है कि सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है, यानी वर्ब की पास्ट फॉर्म। चाहे सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। तो सिंपल पास्ट टेंस की जो पहचान है, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है तो हम उसको पहचानेंगे इस वर्ब का जो टेंस है वो सिंपल पास्ट है, और इसका जो अर्थ निकलेगा वो कोई काम हुआ था, था थे थी जैसा मीनिंग निकलेगा। तो इसको ट्रांसलेट करने पर कर पाने में भी हमें काफी सुविधा रहेगी। अब सिंपल पास्ट में निगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं उन्हें हम थोड़ा देख लें। कुछ सेंटेंस हम एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। सेंटेंस नंबर वन, आई रेड द न्यूज़पेपर। I read the newspaper. मैंने अखबार पढ़ा। I did not read the newspaper. I did not read the newspaper. मैंने अखबार नहीं पढ़ा। Did I read the newspaper? क्या मैंने अखबार पढ़ा? Sentence number two. We saw a movie last night. Sorry. We watched a movie last night. We watched a movie last night. पिछली रात हमने एक फिल्म देखी। यहां we subject है, watched verb है, last night adverb है। निगेटिव बनाएंगे, वी डिड नॉट वॉच अ मूवी लास्ट नाइट। वी डिड नॉट वॉच अ मूवी लास्ट नाइट। सेंटेंस नंबर थ्री, यू टोल्ड अ लाई। यू टोल्ड अ लाई, तुमने झूठ बोला। निगेटिव कैसे बनाएंगे, यू डिड नॉट Tell a lie. You did not tell a lie. तुमने झूठ नहीं बोला। Did you tell a lie? क्या तुमने झूठ बोला? ये interrogative sentence है। Next sentence. They lost the elections. They lost the elections. वे चुनाव हार गए। इसका नेगेटिव होगा, दे डिड नॉट लूज द इलेक्शंस। दे डिड नॉट लूज द इलेक्शंस। इंटरोगेटिव होगा, डिड दे लूज द इलेक्शंस। डिड दे लूज द इलेक्शंस, क्या वे चुनाव हार गए? नेक्स्ट सेंटेंस, ही बॉट अ न्यू कार लास्ट ईयर। ही बॉट
अ न्यू कार लास्ट ईयर, उसने पिछले साल एक नई कार खरीदी। निगेटिव होगा, ही डिड नॉट बाय अ न्यू कार लास्ट ईयर, उसने पिछले साल नई कार नहीं खरीदी। डिड ही बाय अ न्यू कार लास्ट ईयर, ये इंटरोगेटिव है। डिड ही बाय अ न्यू कार लास्ट ईयर, क्या पिछले साल उसने नई कार खरीदी। नेक्स्ट सेंटेंस, शी आयरन्ड द क्लोथ्स, शी आयरन्ड द क्लोथ्स, उसने कपड़ों की इस्त्री की। निगेटिव होगा, शी डिड नॉट आयरन द क्लोथ्स, शी डिड नॉट आयरन द क्लोथ्स, उसने कपड़ों की इस्त्री नहीं की। डिड शी आयरन द क्लोथ्स, क्या उसने कपड़ों की इस्त्री की। नेक्स्ट सेंटेंस, इट फ्लू अवे, इट फ्लू अवे, यह उड़ गया। इसका नेगेटिव होगा, इट डिड नॉट फ्लाई अवे, इट डिड नॉट फ्लाई अवे, यह नहीं उड़ा। डिड इट फ्लाई अवे, क्या यह उड़ गया, इंटरोगेटिव है। नेक्स्ट सेंटेंस, राम वेंट टू ऑफिस, राम ऑफिस गया। राम डिड नॉट गो टू ऑफिस, राम ऑफिस नहीं गया। निगेटिव, डिड राम गो टू ऑफिस, क्या राम ऑफिस गया, इंटरोगेटिव। द गर्ल्स परफॉर्म्ड अ डांस ऑन द स्टेज, द गर्ल्स परफॉर्म्ड अ डांस ऑन द स्टेज, लड़कियों ने मंच पर नृत्य किया। निगेटिव होगा, द गर्ल्स डिड नॉट परफॉर्म अ डांस ऑन द स्टेज, लड़कियों ने मंच पर नृत्य नहीं किया। डिड द गर्ल्स परफॉर्म अ डांस ऑन द स्टेज, क्या लड़कियों ने मंच पर नृत्य किया। तो दोस्तों, इन सभी एग्जाम्पल से हमें दो तीन चीजों का पता चलता है। पहली बात, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हम तब करेंगे जब हम किसी ऐसे काम को बताना चाहते हैं जो भूतकाल में हुआ। द एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट। दूसरी बात, सिंपल पास्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म काम में आती है, यानी वर्ब की पास्ट फॉर्म काम में आती है। तीसरी बात, सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डिड ऑक्सिलरी का प्रयोग हम करते हैं, डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, डिड का प्रयोग एक बार सेंटेंस में हो जाने के बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगी, क्योंकि डिड भी पास्ट है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म वो भी पास्ट की फॉर्म है। दो पास्ट की फॉर्म एक साथ नहीं चल सकती, इसलिए जहां पर भी डिड का प्रयोग हो जाए वहां पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में आएगी, वर्ब की बेस्ट फॉर्म काम में आएगी। तो नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में डिड हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब की बेस्ट फॉर्म लिखेंगे। इंटरोगेटिव बनाने के लिए डिड को सबसे आगे रखेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद में वर्ब की बेस्ट फॉर्म रखेंगे, और लास्ट में सेंटेंस जहां खत्म होगा वहां पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो सिंपल पास्ट टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है और बहुत ज्यादा काम में आने वाला टेंस है। इस संबंध में अगर कोई क्वेरीज हो तो जरूर मेरे पर्सनल चैट पर आप मैसेज करें।
मैं जहां तक संभव हो आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। थैंक यू। दोस्तों, यदि आप रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो मोबाइल नंबर 9414868659 पर अपना नाम लिख करके व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। नंबर रिपीट करता हूँ, 9414868659। धन्यवाद।